नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रिक्वायरमेंट गुरु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। गाइस, हम इस चैनल पर गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, सभी तरह की जॉब के अपडेट्स अपलोड करते हैं। तो उसी क्रम में आज हम मैं आप सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स लेकर के आऊँ। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है ITI और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए। कोची मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा रिक्वायरमेंट जारी किया गया है, तो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अप्लाई आपको ऑनलाइन आपको करना होगा और यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस आपसे कोई भी नहीं लिया जाएगा। लास्ट डेट आपका 8 मार्च से पहले आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, तो अप्लाई करने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन आप जान लीजिए, उसके बाद आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आपको डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर आपको क्लिक करके रखना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं आपको डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लाया गया है। कोची वाटर मेट्रो लिमिटेड के द्वारा रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। यहाँ पर जल में चलने वाली मेट्रो के द्वारा रिक्वायरमेंट है। केरला गवर्नमेंट ऑफ केरला के द्वारा ये रिक्वायरमेंट जारी किया गया है, ठीक है। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है। तो हम आप यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो गाइस यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ पर बोट ऑपरेशन ट्रेनिंग के लिए रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर टोटल यहाँ पर 50 पदों के लिए रिक्वायरमेंट हो और 3 पोस्ट आपका ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस आपको बोट ऑपरेशन ट्रेनिंग मेल और फीमेल के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं दोनों कैंडिडेट्स। ड्यूरेशन गाइस यहाँ पर 1 साल के लिए आपको यहाँ पर कोची मेट्रो रेल कॉरपोरेशन हायरिंग करने वाली है। नंबर ऑफ इनटेक यहाँ पर 50 नंबर ऑफ पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर मांगा गया, क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मिनिमम 60% आपका ITI और डिप्लोमा में होना चाहिए। ITI और डिप्लोमा में यहाँ पर ट्रेड जो रखा गया डिप्लोमा में, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से पास आउट छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट 3 ईयर पास आउट वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 2020 से लेकर 2023 तक के जो पास आउट कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करूँ तो यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए, ओनली फ्रेशर कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेनिंग, ओवरऑल ट्रेनिंग इन बोट ऑपरेशन, मेंटेनेंस इन टर्मिनल ऑपरेशन लाइक फॉर्मलाइजेशन ऑफ KIB रूल्स एंड ब्लेस वेसल कम्युनिकेशन, एक्सपीरियंस इन हैंड वाटर ऑफ कोची इंक्लूडिंग पोर्ट यूनिट्स, असिस्टेंट द बोट क्रो इंश्योरिंग स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बोट व्हीकल्स। गाइस यहाँ पर आप पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मेंटेनेंस विभाग के लिए, फायर फाइटिंग के लिए, इमरजेंसी रेस्क्यू बोट ऑपरेशन के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट है, अलग अलग विभाग के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर आई साइड यहाँ पर आपका रहना चाहिए, डिस्टेंस विजन, नियर विजन, यहाँ पर राइट आई विजन जो आपका रहना चाहिए 6x6 का होना चाहिए, सेलेन 0.5 का नियर विजन आपका रहना चाहिए, यानी कि पास का, ठीक है। लेफ्ट आई का जो आपका रहना चाहिए 6x6 का रहना चाहिए, नियर विजन आपका लेफ्ट आई का 0.5 का आपका होना चाहिए। अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टाइफंड जो आपको दिया जाएगा 9,000 रुपये आपको यहाँ पर स्टाइफंड दिया जाएगा, इंक्लूडिंग ESI की सुविधा कंपनी आपको देने वाली है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर जो आपका रखा गया है 1 जनवरी के हिसाब से, 1 जनवरी 2023 के हिसाब से 28 वर्ष से 18 साल से लेकर 28 साल के बीच के कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एप्लीकेशन एज पर रिजर्वेशन रूल के हिसाब से आपको यहाँ पर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से कंपनी आपको लेने वाली है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर एप्लीकेशन लिंक आपको जो अप्लाई लिंक है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जाना है, आपको अप्लाई का बटन आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ से आपको कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जनरल कंडीशन, एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन 1 ईयर, ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग KBML स्ट्राइप वर्कफोर्स रेफ्रिजरेशन। गाइस 1 साल के लिए कंपनी आपको हायरिंग करने वाली यहाँ पर लिखा गया है। अब गाइस यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन शुड बी द रेड इंस्ट्रक्शन और बिफोर अप्लाइंग। गाइस यहाँ पर वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है, KMRL मतलब कोची मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है। अपलोड आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करना होगा। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर क्या क्या मांगा गया है तो वहीं पर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स आपको PNG JPG में आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ईमेल पर आपको आपको इस रिक्वायरमेंट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।